मैं हूं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं UNN मीडिया। खेसारी लाल यादव और काजल रवानी का मुद्दा अब किसी से छुपा नहीं है। अब तक खेसारी लाल यादव ही बोलते हुए नजर आ रहे थे, चाहे वो लाइव हो या फिर किसी कॉन्सर्ट में, लेकिन अब काजल रवानी भी बोल रही हैं। जब उनसे एक सवाल किया गया, दरअसल हमारे संवाददाता ने जब उनसे पूछा कि आपके स्टारडम में ज़्यादातर खेसारी लाल का हाथ है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो इसके बाद आपको काजल रवानी का रिएक्शन देखना चाहिए। आज आप स्टारडम में हैं, सुपरस्टार एक्ट्रेसेस में आपकी गिनती होती है, कहीं ना कहीं खेसारी जी के साथ आपने इतना काम किया, दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद की गई है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके स्टारडम में उनका भी योगदान है? मेरे स्टारडम में अगर मैं योगदान देना चाहूंगी तो मैं फिर पवन जी को ही देना चाहूंगी, बिकॉज इनके साथ मेरी पैर बनी थी मेहंदी लगा के रखना से, जो कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी और हम दोनों का रोमांस उनको पब्लिक को बहुत पसंद आया था। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब पवन जी और खेसारी के बीच में मैं किसी को चूज कर रही हूँ, या फिर लोगों को भी ये दिखाना चाहती हूँ कि खेसारी जी से अगर कुछ भी हमारे इश्यूज है, पर्सनल इश्यूज है, उस वजह से मैं अभी पवन जी को मैं वो कर रही हूँ कि उनको सिलेक्ट कर रही हूँ, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मेरे दो फेस नहीं है। पवन जी को मैं इसलिए देना चाहूंगी बिकॉज मेरी एक फिल्म आई थी उनके साथ हुकूमत, जिसमें हुकूमत थी, एंड देन उसमें जो गाने थे चिकन समान एंड चोली में अक्कल फरार, और उसके बाद बहुत ब्लॉकबस्टर मेरी फिल्म आई एक भोजपुरिया राजा, जिसका एक गाना था छलकता हमर जवानिया, तो उसके बाद जो मेरी मैं हिट हुई हूँ, लोगों ने मुझे पसंद किया है, उसके बाद मेहंदी लगा के रखना बनी है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि खेसारी जी की वजह से मेरा स्टारडम आया है, मैं कहूंगी पवन जी की वजह से आया, उन्होंने इतना अच्छा गाना बनाया, उन्होंने इतना अच्छा गाया, प्रियंका ने इतना अच्छा गाया, मैंने एक्ट किया, लोगों ने पसंद किया, तो शायद मेरा, तो मैं सीढ़ी अपनी वही समझूंगी फिर।